हंस हंस के पागल हो गए। और ये है घर, बड़ी कार्स यहाँ पे दिख रही है, काफी हेल्दी लग रहा है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। Hey guys, welcome to my new vlog। शंघाई पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और हमारे पास कुछ टाइम नहीं था उस दिन घूमने का, तो बस हम लोगों ने रूम सेट किया, रूम में अपना सामान रखा, लगेज वगैरह अनपैक किया और चिल मारा, डिनर किया उस दिन। तो यहाँ पे इन लोगों की कैट है ऑलरेडी और इवान पहली बार कैट को देख रहा है। देखो हाँ बबू, मजा आ रहे बिल्ली को देख के बहुत मजा आ रहा है। ये तो हंस हंस के पागल हो गया, इसके तो मुंह में से क्या निकलने लग गए, देखो कभी नहीं देखा इसको ऐसे। पहली मॉर्निंग शंघाई में, सुबह के 9 बज रहे हैं, बहुत ठंडी है और ये है हमारा गार्डन। और बाय द वे गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं भूल जाती हूँ बोलना। गाइस फर्स्ट इन शंघाई, अच्छे से सोए रात को। और ये है घर ओडिन के भाई का और मैं अभी जा रही हूँ, मैं बाद में आपको टूर दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ इवान को लेके कुछ बाहर खाने पीने का देखने के लिए। ब्रेकफास्ट तो कर लिया था लेकिन लंच का मुझे पता नहीं, यहाँ पे इवान को संभालना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा घर है। तो मैं सोच रही हूँ मैं बाहर से कुछ खरीद लूंगी, कुकिंग में तो मैं बिल्कुल ही नहीं लग सकती अभी, और घर में अभी कोई नहीं है। तो चलो आपको लेके चलती साथ में। ये देखो आप, कितनी सुंदर सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है ये, तो यानी विला का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे सारे घर अलग, अब यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे सारे घर अलग अलग दिखते हैं। ये देखिए, कोई भी दो घर एक जैसे नहीं लगेंगे आपको, तो ये टिपिकल विला वाली जगह नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है, कुछ कुछ घर तो काफी ब्रिटिश स्टाइल में बनाए हुए हैं। तो मैं बस इवान के साथ चलती जा रही हूँ और एक से बढ़ के घर और एक से बढ़ के कार्स यहाँ पे दिख रही है मुझे, जैसे फरारी और पता नहीं लैम्बोर्गिनी। मेरे को बस इतनी सी दूर में घर से यहाँ तक चलने में मुझे 3-4 दिख गई। ये देखो आप, घर एक से बढ़ के एक यूनिक घर है यहाँ पे, बहुत सुंदर घर बनाए हुए हैं लोगों ने। सारे तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, सारे ही यूनिक है। ऐसा लगता है ये दिखाऊं आपको, वो दिखाऊं आपको। मैं पुणे में रहती थी, ऐसे घर वहां पे थे कल्याणी नगर एरिया में, काफी इस टाइप के घर थे, लेकिन बहुत ही सुंदर घर है यहाँ पे, बड़े बड़े। मुझे लिटरली पता नहीं कहाँ से मुझे बाहर जाना है, कितने दूर है जो गेट है, बट मैं चलते जा रही हूँ। मैं एक चीज फॉलो कर रही हूँ, मैं राइट साइड की रोड पकड़ रही हूँ, तो वापस आऊंगी तो लेफ्ट साइड की पकड़ूंगी, ये लॉजिक से मैं चल रही हूँ। ये देखो घर, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे इतने सारे घर होते हैं ना, वहाँ लोग रिपेयर में लगे रहते हैं, कोई ना कोई घर तो टूट रहा होता ही है या किसी में रेनोवेशन करा रहे होते हैं। मुझे इतनी भूख लगाई है ना, आई एम श्योर इवान को भी भूख लग रही है, इसकी पानी की बॉटल लाना भूल गई मैं। गाइस मुझे मेन रोड नजर आ रही है, आई कैन सी कार्स एंड ऑल, बट बहुत दूर है। चलो अच्छा है, चलना अच्छा होता है सेहत के लिए। काफी अच्छे घर हैं, बहुत ही अच्छी सोसाइटी के बीच में से रिवर है, पतली सी कैनाल बोल सकते हो आप उसको, वो निकल रही है, बहुत सुंदर है। मेरे घर के एकदम सामने, यानी हमारे घर के, मेरे घर के नहीं, जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके एकदम सामने। ओडिन पता नहीं कब आएगा, ओडिन आएगा तो मुझे टेंशन कम रहती है इवान की। अब यहाँ पे फिर से इवान को देखने वाला कोई नहीं है, आ तो मैं गई यहाँ पे, मेरा पूरा ध्यान इवान पे लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत है, अपार्टमेंट में तो सीढ़ियाँ है नहीं, तो वहाँ पे थोड़ी सी चैन रहता था, अब यहाँ पे सीढ़ियों की तरफ ही भागता है, तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे खाना बनाने का भी अभी मुझे मुश्किल होगा क्योंकि इवान को देखते रहना पड़ता है। कोई नहीं, ओडिन आ जाएगा एक दो दिन में तो आराम हो जाएगा। तो मैं सोसाइटी के बाहर आ गई हूँ, अभी फुटपाथ पे चल रही हूँ। शंघाई बहुत ही सुंदर है बाबा, मुझे लगा था मैं इवान को कुछ खिलाने ले जाऊंगी लेकिन देखो इवान तो सो गया। गाइस हुआ ये कि मैं सोसाइटी से तो निकल गई, मैं चलती रही बहुत देर तक इवान को लेके, लेकिन मेरे को सुपरमार्केट मिला नहीं, तो मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढने लग गई और वापस जाने का रास्ता भी मुझे नहीं मिल रहा था इजीली क्योंकि मैंने मैप पे नहीं सेट किया हुआ था और इवान सो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कल ही जाऊँगी मैं सुपरमार्केट और आज थोड़े से नज़ारे और देख लेती हूँ यहाँ के घर वगैरह और वापस घर की तरफ हो लेती हूँ। तो घर पहुंचते ही मैंने सी फूड बर्गर ऑर्डर किया जो कि बहुत टेस्टी था। डे टू ऑफ शंघाई,
आज सुबह जल्दी उठ गई थी मैं 6 बजे. बहुत ठंडी थी आज, -4 degrees. कल मैंने जैसे कि आपको दिखाया बहुत ढूंढने की कोशिश की, कोई सुपरमार्केट मिले. मैं खो गई सोसाइटी में और वापस आ गई क्योंकि ठंड बहुत थी और इवान सो गया था. आज मुझे भूख लगाई 12 बजे, बहुत ज़्यादा. ब्रेकफास्ट किया था मैंने सुबह बहुत अच्छा, और अभी मैंने ऑर्डर किया. ऑर्डर करके मैं सो गई. ऑर्डर किया था नूडल्स और डम्पलिंग्स. कल मैंने बर्गर्स ऑर्डर किए थे लंच में जो कि बहुत अच्छे थे बर्गर किंग से. और आज गर्म कर रही हूँ मैं, और ये गर्म हो चुके हैं. मुझे नहीं लगता ये मेरे और इवान के लिए काफ़ी होंगे. ये देखो आप, तेज हवाएं चल रही है. खाने की बारी. इवान को थोड़ा मैंने एप्पल दिया खाने के लिए क्योंकि इसको जोर से भूख लग रही थी उठते ही. चलो बब्बू हम खाएंगे थोड़ा सा नूडल और डम्पलिंग, फिर हम जाएंगे, फिर हम वहां पे सुपरमार्केट में जाके खाएंगे कुछ. क्या बोलते हो, चलोगे मेरे साथ? ये भी देखो आप, काफी सब्जियां हैं अंदर. ये नूडल में हरी सब्जियां हैं जो मैं इवान को खिलाऊंगी. ये देखो इसको डम्पलिंग्स बहुत पसंद है. आठ डम्पलिंग्स और खूब सारे नूडल्स का. ये एकदम अपने इंडियन चाइनीज स्टाइल के नूडल्स हैं. इनका प्राइस पड़ा साथ में 210 रुपए इंक्लूडिंग डिलीवरी. तो मैं तैयार हो गई हूँ, इवान को लेके जाऊंगी. पता नहीं, इवान को मैंने कपड़े तो बहुत सारे गर्म पहनाने की कोशिश की है, लेकिन एक लिमिट के बाद एक बेबी को कपड़े नहीं पहना सकते क्योंकि उसका मूवमेंट ही बंद हो जाता है. कि छोटा सा होता है ना बेबी, टॉडलर. तो देखते हैं, अगर बहुत ठंडी लगी तो मैं वापस आ जाऊंगी. वैसे तो 1.5 किलोमीटर ही जाना है. आई डोंट नो ये कितना गुड आइडिया है, बट मैंने अपने जैकेट को ही इवान के ऊपर लपेट दिया. ये देखो, वैसे इसको फेंकना है तो क्यों ना इसको एज अ ब्लैंकेट लगा दूं. तो गाइस 2 घंटे तो प्रेपरेशन करने में ही लग गए बाहर निकलने की. कैसे निकलेंगे, कैसे क्या. इवान को तो अच्छे से लपेट लिया है, बस एक ही डर है कि ये जैकेट खुल के नीचे गिर जाता है बार बार. लेकिन इसको बिना अच्छे से उड़ाए भी नहीं जा सकती. और देखो कितना मस्त लग रहा है ये पीछे का. बहुत जोर की हवा चल रही है. चलो बच्चा इवान, आज जाएंगे हम सुपरमार्केट. मैप देख लेती हूँ एक बार ठीक से. सीधा सीधा ही जाना है मैप के हिसाब से. तो मैं लौट गई घर से, निकलते ही वापस आ गई. मेरे हाथ ही सुन पड़ने लग गए थे, तो मैं कैसे इसको 1.5 किलोमीटर लेके जाती. मैंने टैक्सी बुक की है, टैक्सी आने वाली है. इवान यहाँ खड़ा है, हम बाहर वेट कर रहे हैं. हम आज टैक्सी से ही जाने वाले हैं सुपरमार्केट. इसका मन बहल जाएगा, ये बहुत परेशान कर रहा है कि इसको नहीं रहना घर में. बाबू चलो चलो. यहाँ पे डीडी नाम की टैक्सी होती है. डीडी जो दीदी की स्पेलिंग होती है ना, वैसे ही वही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. फॉरेनर्स भी यूज़ करते हैं क्योंकि इंग्लिश में. देखो इसको ठंडी हवा की वजह से कैसे अजीब सा लग रहा है. मेरे हाथ फिर से सुनोगे, टैक्सी आ गई है. चलो ये देखो, 1.5 किलोमीटर ही है यहाँ से. तो यहाँ पे मैंने देखा है टैक्सी में भी आप मास्क नहीं उतार सकते, नहीं तो ड्राइवर टोक देता है. यहाँ पे बिल्कुल भी पब्लिक प्लेसेस में मास्क उतारना अलाउड नहीं है. मोस्टली टैक्सीज में ट्रांसपोर्टेशन, मॉल्स वगैरह में एंट्री नहीं मिलेगी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. Thank you.
इवान टैक्सी में इतना चुप रहता है, कभी हमारी कार में इतना शांत नहीं बैठता, हमेशा टैक्सी में चुप रहता है। सुपरमार्केट आ गया है, हम जा रहे हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है बाबा, ये छोटे साइज का लग रहा है। बस मुझे अपने काम का सामान लेना है, जैसे डायपर्स इवान के लिए, कुछ खाने पीने का, मे बी देखती हूँ क्या क्या, फिर बाद में सड़कों पे घूमूंगी। दूध लेना था मुझे, लेकिन यहाँ पे सारे दूध बहुत महंगे हैं कंपेयर टू गंगजो। 140 का एक बॉटल, दिस इज ओके। नहीं ये दूध नहीं है, ये वाला देखो 210 का एक बॉटल, वहाँ पे गंगजो में 100 रुपए का एक बॉटल था, यहाँ पे 210 रुपए का। ये दूध लिया 1.5 लीटर 20 का, 20 यूएन 200 रुपए का। और बाजा फिश खिले ताकि मुझे बाहर के फिश ना खिलानी पड़े, अपने हिसाब से बना के खिला सकती हूँ बब्बू को। रात हो गई है, मेरी पूरी शॉपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने, जैसा डम्पलिंग्स और दूध लिया है 3 लीटर, और एक सॉसेज लिया था जो होस्ट है उनके लिए। तो बस, और ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है बाबा, और इवान को बहुत डर लग रहा है ठंडी से। इवान जैसे हवा चलती है ना, इवान अजीब सा ऐसे से मुंह बनाने लगता है, जैसे यू नो लड़ने लगता है हवा से। ये देखो, तो मैं अभी टैक्सी का वेट कर रही हूँ, मैंने टैक्सी बुक कर ली है। यहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर है, शंघाई में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस स्टोर्स है, हर जगह पे मिलेंगे आपको। 7-Eleven भी है और बहुत सारे यहाँ चाइनीज़ भी हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं खाना पीना सब वहाँ पे। मैं एक वीडियो आपको कन्वीनियंस स्टोर का बनाऊंगी पक्का। तो अब मैं घर पहुँच गई हूँ, और जो बंस मैं लाई थी वो इवान के लिए बना रही हूँ, और खुद के लिए भी थोड़े से ट्राई करती हूँ, जो अच्छा लगेगा वो नेक्स्ट टाइम और लेके आऊँगी। ये देखो, इसमें 3 मिक्स्ड हैं, पोर्क बंस विद वेजिटेबल्स, मशरूम विद वेजिटेबल्स, और रेड बीन जो होते हैं उसका पेस्ट। तो कुछ कुछ है जिसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। बब्बू का खेल रहे हो, का खेल रहे हो बब्बू? छी गीला है, गीला। आय हाय, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। माई सिस्टर इन लॉज मॉम, शी बॉट सो मैनी स्नैक्स फॉर इवान, लुक शी जस्ट केम बैक, एंड देयर्स टन ऑफ स्नैक्स। एंजॉय कर लियो, कर लियो ना एंजॉय, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या है, पहली बार देखा मैंने। यस, ही हैज टू मेनी इयर्स, ही लाइक्स टू प्ले विद द मशीन एंड रिमोट, बैड बॉय।